तो हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके, ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और एक ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। तो जो ये ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, इस पर क्या होता है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई लोड देते हैं, क्या करते हैं, कोई लोड देते हैं, तो ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल, ये मुड़ जाएगा। ये देखिए, जैसे लोड देंगे ये क्या करेगा, मुड़ जाएगा, और स्ट्रक्चर मेरा उतना स्ट्रांग नहीं रह पाएगा, जैसे स्ट्रेंथ देते ये मुड़ जाएगा। देखिए काफ़ी ये फ्लेक्सिबल है, इस तरह मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ जाएगा, इधर भी मुड़ सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में नहीं यूज करते हैं। और बाकी लोड दे के देखते हैं, ये इस पर हम रखते हैं, जैसे ही रखेंगे क्या करेगा, ये मुड़ जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर है ये, काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है, हम इस पर कितना भी लोड देंगे ये फ्लेक्सिबल नहीं है। देखिए ये होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होगा। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रख के देख सकते हैं। देखिए ये काफ़ी स्ट्रांग है और हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। हम तो हमने ऐसा ही ट्रेंगल से एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जो कि काफ़ी स्ट्रांग होगा, और हम लोग उस पर ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये रहा मेरा स्ट्रक्चर, ये कहीं से देखिएगा तो ये क्या दिखेगा, ट्रेंगुलर ही दिखेगा, और ये हमने मैच बॉक्स से बनाया है। और ये देखिए, ये कहीं भी आपको ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर दिखेगा और ये काफ़ी स्ट्रांग है। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये ईंट है, इसको हम लोग रख सकते हैं और इसका ये लोड कैरी कर लेगा आसानी से, इस ईंट का ये लोड कैरी कर सकता है आसानी से। और हम लोग थोड़ा और इस पर लोड देखते हैं, और ये देखिए पूरा का पूरा ईंट लगभग 2 से 3 kg का होगा, और इसको हम रख के देखते हैं क्या ये इसका ये वजन कैरी कर पाता है कि नहीं। तो हम लोग इस पर रख के देखते हैं, तो ये आसानी से इसका भी लोड कैरी कर पा रहा है। हम लोग इतना सारा वजन ये एक बस मैच बॉक्स क्या कर सकता है, कैरी कर ले रहा है बस। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रेंगुलर है, और एक ट्रेंगुलर देते तो ये क्या करता है, क्लैप्स कर जाता है। इसीलिए कहीं भी ब्रिज में या टावर पे जो भी स्ट्रक्चर होता है रेक्टेंगुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी स्टेबल होता है। आके और एक ईंट रख के देखते हैं क्या हो सके, किसका भी ये लोड कैरी कर सके। और ये आसानी से 2 ईंट का लोड कैरी कर ले रहा है। और फिर इस पे एक और ईंट रख के देखते हैं ऊपर क्या होता है अभी।